ਲੈ ਬਈ ਆ ਗਏ ਟਪਾਈ ਤੇ ਵਿਰਕ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਤੀ ਬਰੇਕ ਨੀ ਓ ਚੱਲੇ ਚਮਕੀਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਡਰੇਕ ਨੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਤੀ ਬਰੇਕ ਨੀ ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਕੈਸੇ ਹੋ ਉਮੀਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋਗੇ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਜ ਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਨੇ ਵਾਲਾ ਹੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਾ ਏਕ ਐਸਾ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਸਕੀ ਮਦਦ ਸੇ ਆਪ ਕਿਸੀ ਕਾ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਛੁਪ ਕਰ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੋ ਵੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਈ ਨਾ ਕਿਤਨੇ ਮਜ਼ੇ ਕੀ ਬਾਤ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਇਹ ਸਭ ਜਾਨਣਾ ਹੈ ਤੋ ਸਿਰਫ ਆਪਕੋ ਏਕ ਹੀ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਤੇ ਰਹੀਏ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੂੰ ਅਗਰ ਅਭੀ ਤੱਕ ਆਪਨੇ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਹੈ ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਜਲਦੀ ਸੇ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੀਜੀਏ और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए। सेटिंग को समझने के लिए आपको सबसे पहले चलना होगा हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर। मेरे भाइयों सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप चले जाइए अपने WhatsApp ग्रुप में। अब किस ग्रुप में जाना है ये तो आपको ही पता होगा, क्यों सही कहा ना भाई। इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे YouTube चैनल का ग्रुप है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं इस ग्रुप से तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से मेरे इस YouTube चैनल का जो ग्रुप है लिंक ओपन करके आप जुड़ सकते हैं। तो बात करते हैं अब कुछ इस टॉपिक के बारे में कि आप कैसे किसी का हिस्ट्री देख सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे मैसेज हैं। अब यहाँ से आप कोई भी सा मैसेज आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसा कि मैं यहाँ पर एक मैसेज सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आप यहाँ ऊपर की ओर आप देख सकते हैं 3 डॉट आपको दिखाई देगा। तो भाइयों दिखाई दे रहा है कि नहीं। उसके बाद आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देगा, इन्फो और कॉपी का। तो आपको क्लिक करना है इन्फो पर। उसके बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारा हिस्ट्री आपको दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो ऊपर की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है ये है मैसेज आपका। उसके बाद जो ये नीचे की तरफ आपको लिखे नेम दिखाई दे रहे हैं कुछ, आपको ये सारे हिस्ट्री हैं आपके कि आपके मैसेज को कौन कौन किस किस बंदे ने किस किस टाइम पर देखा। अभी मैं आपको यहाँ पर ये जो आपको मैसेज दिखाई दे रहे हैं, अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ दिखा देता हूँ कि जिससे आप किसी का भी हिस्ट्री देख सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको दो चीज़ दिखाई दे रहा है, रीड और नीचे इसके बाद दिखाई दे रहा है आपको डिलीवर्ड का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेटिंग काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस सेटिंग से रिलेटेड और भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेटिंग के द्वारा किसी का भी हिस्ट्री देख सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।